नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। दोस्तों, अगर आपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में बायोलॉजी को ऑप्शनल रखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किए हैं और इस वीडियो में कवर किए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या अगर आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किए जा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। तो यहाँ पर आपको चार ग्लैंड दिए गए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, थायमस। थायमस एक ऐसा ग्लैंड है, तो जो आप बॉर्न होते हो तो उसकी साइज बड़ी रहती है, और जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती जाती है, एजिंग होते जाती है, तो उसकी जो साइज होती है रिड्यूस होने लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मेमोरी लॉस वुड मोस्ट लाइकली बी ड्यू टू अ माल फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर मेमोरी लॉस होती है किसी पेशेंट्स की या किसी पर्सन की, तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है सेरेब्रम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर ये माल फंक्शन करना शुरू कर दें तो मेमोरी लॉस हो सकती है। सेरेब्रम राइट हेमिस्फीयर के ब्रेन्स में लोकेटेड होता है। हमारे ब्रेन्स के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस्फीयर का ये पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम का जो काम होता है वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियस थॉट्स को प्रोसेस करना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसमें जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन्स के, वो लॉजिकल, रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए प्रोसेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विस्थिंग। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर किसी वाटर बॉडीज के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रेजेंट हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट होगा वो होते हैं एल्गल ब्लूम के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है फास्फोरस साइकिल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर ऑलवेज नेकेड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टाइफाइड, डायरिया एंड मलेरिया विच इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मलेरिया। मच्छर के काटने से होता है, आपको पता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक कैरेक्टर। तो इसमें से जो कैरेक्टर दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, डी तो नन ऑफ द अबो है, ए जो है कलर ब्लाइंडनेस, बी बाल्डनेस और सी है अस्थमा। तो अगर आप तीन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो जो सी वाला ऑप्शन है करेक्ट है, अस्थमा, क्योंकि ये सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक होता है, बाल्डनेस भी हो सकता है पर अस्थमा नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेल्स इज कैपेबल टू डेवलप इन एनी ऑफ द टाइप ऑफ सेल। तो इसमें जो एक ऑप्शन सी है स्टेम, आप सभी लोग स्टेम के बारे में जानते रहेंगे कि स्टेम को प्रिजर्व करके भी रखा जाता है ताकि वो कोई और ऑर्गन्स में काम आ जाए। कोई और ऑर्गन अगर डैमेज होता है तो डॉक्टर उसको डेवलप करने के लिए, उसको रिजेनरेट करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑर्निथोफिली रिफर्स टू द पोलिनेशन थ्रू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द मोनोकार्पिक प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट अल्सर इन स्टमक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एंडोस्कोप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन ममेलियन ब्लड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मोनोसाइट्स। हमारे बॉडी में तीन टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं दोस्तों। पहला होता है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इन तीनों में से, मतलब इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो मोनोसाइट्स का सेल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन ह्यूमन बॉडी द रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय सी, किडनी। करेक्ट ऑप्शन है सी, किडनी। तो किडनी हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम एरिथ्रोपोएटिन। ये प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स का काम करता है, इसको स्टेमुलेट्स करता है। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे हार्मोन्स के जो नेम बताए हैं, किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है,
एरिथ्रोपोइटिन, तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्लांट्स और एल्गी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बोथ वन एंड टू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रोटीन। तो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम उसी को कहते हैं जो डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर जाइनोशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, पिस्टिल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विच फ्रॉग्स बिलोंग्स टू द फैमिली रेनिडे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ट्रू फ्रॉग्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल आर देयर। 21 स्पीशीज फाइंड आउट हुए हैं क्रोकोडाइल के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंडीशन रिलेटेड टू मायोपिया इज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, अनएबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट्स करके ये बताओगे कि हम जब नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते हैं क्लियरली तो कौन सा कंडीशन रहता है या कौन सा डिसऑर्डर रहता है। ठीक है, तो आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म्स होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बायसेक्सुअल कंडीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एल्गी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगर कैन इज प्रोपोगेटेड बाय। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए, स्टेम कटिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पैरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग। सिंगल सेल में कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है बिकॉज जो उसकी पैरेंटल बॉडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज ऑफ एंटी हिस्टामाइंस एंड स्टेरॉइड्स गिव्स अ क्विक रिलीफ फ्रॉम एलर्जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, पता होना चाहिए आपको ये ऐसे क्वेश्चन के आंसर। डाई एसिटिल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज। तो जो डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है उसको हम हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एडेस मॉस्किटो। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ICSI। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली कंटेन द हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। द रिजर्वॉयर फॉर द गैशियस टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एटमोस्फियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपेरेंट मॉडल फॉर रेगुलेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन वॉज प्रपोज्ड बाय। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जेकॉब एंड मोनॉड। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक इज कॉल्ड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यूट्रोफिकेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और करेंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियोस में अपलोड करते रहता हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।